सवालिया निशान है, तो इस क्षेत्र में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या मुद्दा था? देखिए, सचिन साहू जी रिजाइन नहीं दिया, उन्होंने थोड़ा पारिवारिक असुविधा के लिए पार्टी से थोड़ा दूर रह गया था, लेकिन उन्होंने फिर कांग्रेस में आ गया, कांग्रेस में काम करने के लिए तैयार है। कल भी उन्होंने हमारा मीटिंग में था, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी से भी नहीं रिजाइन दिया था, उन्होंने कांग्रेस में हैं और कांग्रेस के साथ वो काम काज करेंगे। इसीलिए पाथारगंदी तो जो समष्टि डिलिमिटेशन हो गया, इसीलिए उन्होंने हमारा भी साथ जोड़ा किया, अभी फिर से उन्होंने योगदान दिया है। हाँ, तो एक अहम सवाल है कि करीमुद्दीन बड़भैया की गतिविधि को लेकर लोग काफ़ी सवाल उठा रहे हैं, आज तपोधीर भट्टाचार्य के आवास गृह में जाकर उन्होंने मिला और बंद को वापस ले जाने के बारे में भी बातचीत की, तो यहाँ पर उनकी भूमिका क्या है बराक घाटी में करीमुद्दीन बड़भैया? ये तो एक कांग्रेस में जब था वो संतोष मन देव के साथ मिल के जो दलाली शुरू किया था, वो आज तक बदरुद्दीन आजमल के साथ मिल के वो दलाली अभी तक जारी है। तो वो मानो ये तो इतना नहीं है, 26 नज़दीक है और दो साल बाद उसका दलाली ख़त्म हो जाएगा। ये करीमुद्दीन बड़भैया ये एक लीडर है जो बीजेपी और वो हमारा जितनी बड़ा काम जितना इनजस्टिस काम उनको देखे होगा, उसका चेहरा देखे से मालूम पड़ता है, वो ऐसा बात करता है जैसे वो भूपेन बोरा के साथ कभी अटैक करता है, कभी हमारा गौरव गोगोई के अटैक करता है, लेकिन वो भूल गया कांग्रेस से उसका राजनीतिक उत्थान हुआ था। आज जो बीजेपी की दलाली कर रहा है, जो कांग्रेस और पावर में आएगा, कांग्रेस जब कांग्रेस में फिर आशा में आएगा, वो करीमुद्दीन बड़भैया फिर कांग्रेस से आने के सुझुक हो जाएगा। लोगों का आरोप है कि मुख्यमंत्री के साथ कोई सांठगांठ समझौता हुआ है करीमुद्दीन क्या? मुख्यमंत्री का जो एजेंट हिसाब से काम कर रहा है और कांग्रेस को जो राज्यसभा बूट आया था, कांग्रेस के MLA जो राज्यसभा के मेंबर रिपन बोरा को हराने के लिए, वो करीमुद्दीन बड़भैया हमारा झूठ से वो निर्वाचन जीता था। आप लोग जानता है जो सुनाई में हमारा कांग्रेस इतना मजबूत था जिसमें कांग्रेस कैंडिडेट देने से जीत सकता था, लेकिन कांग्रेस और EDF का जो तब से करीमुद्दीन बड़भैया एक्सीडेंट MLA हो गया, MLA होने के बाद राज्यसभा में रिपन बोरा को भी हराया, वो BJP के साथ मिलकर राष्ट्रपति में भी ये काम किया, इसीलिए वो जो काम किया ये जितना इतना दिन और नहीं कर पाएंगे, उसका राजनीतिक भविष्य 26 में ख़त्म हो जाएगा। विधायक चुनाव में काटीचूरा आसन में हर साल UDF के उम्मीदवार जीत रहे हैं पिछले कई वर्षों से, आपने कहा कि इस साल परिवर्तन होगा, क्या परिवर्तन होने की उम्मीद है आपको? इस साल तो परिवर्तन होने वाले था, 2021 साल में जो महाजुट होने के कारण ये हमारा काटलीचोरा हमारा हार गया, नहीं तो हमारा इसमें संजीव राय टी गार्डन का उम्मीदवार था, लेकिन महाजुट के कारण से सुजामुद्दीन दूसरी बार MLA होने का मौका मिला, लेकिन नेक्स्ट टाइम इसका ये मौका नहीं होगा। इसके लिए काटलीचोरा जो उन्नयन बाय किसी का भी काम उन्होंने नहीं कर पाया, वो सिर्फ BJP को दलाली करके और BJP के साथ राज्यसभा बूट दे के और आदमी लोगों को भूल बुझा के MLA हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये काटलीचोरा हमारा टी गार्डन से कांग्रेस की उम्मीदवार जो भी होगा वो उसका विजय निश्चित होगा नेक्स्ट टाइम। चाय श्रमिकों की आज़ादी, उनकी सुरक्षा और उनकी जो परियोजनाएं हैं उन पर क्या कहना चाहेंगे? चाय श्रमिक आज अभिभावकहीन हो गए हैं क्योंकि चाय श्रमिक के नेतागण भाजपा के साथ मिले हुए हैं और उनकी बागानों को ही दूसरे क्षेत्र में तिखर बिखर किया जा रहा है। जब कांग्रेस पावर में था तो चाय बागानों को लीडर मिला था, जगन्नाथ सिंह भी मिला था, हमारा दिनेश प्रसाद ग्वाला भी मिला था और ज़्यादा अच्छा अच्छा कांग्रेस के साथ मिलके चाय बागानों को एक मजबूत अवस्था था, लेकिन आज BJP इतना कर दिया चाय बागान को कि उन लोगों को पाथारगंदी काटलीचोरा दूर विधानसभा आसन को भी उन लोग तो उठा के ले दिया, इसीलिए चाय बागान को सिर्फ 1000 और 2000 दे के उन लोगों को दबाए रखा है, लेकिन उन लोगों का बराक की चाय बागान की जो मजूरी है वो मजूरी आज तक नहीं बढ़ा पाया, जिसमें ब्रह्मपुत्र उपत्यका का 360 रुपीस मिलता है, हमारा यहाँ कितना मिलता है आप लोग तो पता है, इसीलिए बागानी आदमी बागानी श्रमिक भाइयों को BJP ने सिर्फ 25 रुपये दे के उनका बूट लेके बाद में बागान को भूल जाता है, फिर बूट आ रहेगा उन लोग बागान में जाएगा और सांप्रदायिक सुरसुरी जाएगा हिंदू मुसलमान का बात करके उन लोगों सहज सरल बागानी आदमी वो लोग बहुत अच्छा है सहज सरल उन लोगों को जो बताता है वो लोग विश्वास करता है, लेकिन इस बार बागान संप्रदाय ने समझ गया जो BJP हम लोग को लॉलीपॉप दे रहा है बागानी आदमी लोग नेक्स्ट टाइम कांग्रेस के पास आएगा, ये हमारा विश्वास है। धन्यवाद, आपका शुभ नाम? हमारा शामसुद्दीन बल्लस्कर है, हम हालियाकांदी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट हैं। धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमको दिया।